चलते हैं जी नेक्स्ट रूम में। यार ये आ गई कॉइन्स गैलरी, ये देख सकते हैं आप। ये जी अर्लीस्ट कॉइन्स, फर्स्ट सेंचुरी, पंच मार्क। ये जो ना वो चेक करें, कॉइन चेक करें आप। जी, इंडो ग्रीक्स कॉइन्स, ग्रीक्स के आप देख सकते हैं, पर स्पार्टन्स बने हैं। डिटेल लिखे हैं कॉइन्स के नाम, ये उससे आगे आ जाएगी। सन 78 से लेके 627 तक जो यूज होते रहे हैं। कुशन गुप्ता, इंडो स्विट्जरलैंड, बेस ऑफ वो ही। तो लाहौर के नीचे पर जो है ना बहुत बड़ा म्यूजियम है ये। बड़ी डिटेल के साथ चीज़ों को जो है ना यहाँ पर रखा गया, अलग अलग करके। ये सन 74 से सन 750 तक अरब कोइंस, ये अरब के हैं। ये देखिए, ये पत्थर के अंदर जो है ना सेव किए गए हैं। और इनमें सिल्वर और गोल्ड के कॉइन भी हैं। ये जो है ना ये गोल्ड का, ये सुल्तान ऑफ गजनी के दौर में चलने वाले सिक्के हुए हैं। और जो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, देखिए पूरी पूरी जो है ना आयात लिखी है, कलमा लिखा है। ये आ गया सुल्तान ऑफ दिल्ली के दौर के सिक्के। ये मुगल दौर का, ये तो हमने मुताले में भी इनकी पिक्स देखी हैं। जो हैदराबाद का वो है ना म्यूजियम, उसमें तो आप समझ रहे एक फ्लोर जो है ना वो बेनजीर और जुफ़ार भुट्टो साहब के लिए भी रखा गया। मेन टाउन्स ऑफ एंशियंट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जो ना मिंट जहाँ पे ये सिक्के बना करते थे, कहाँ कहाँ पे, स्कर्दू, कारगिल, डेरा स्वात, पेशावर, टैक्सला, मलोट, रोहतास, बन्नू, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जलीलपुर, छतरीपुर, क्वेटा, लाद, हजदार, बक्कर, खैरपुर। और कुछ जो नाम यहाँ से मिसिंग है, और उमरकोट, ठठा, हजदार। चलते हैं जी नेक्स्ट रूम में। आगे आ गया जी फ्रीडम मूवमेंट गैलरी। ये आ गए अपने जिनाह साहब, ये वो सारे शख्सियात जिन्होंने एक आज़ाद इस्लामी मुल्क जो ना बनाने में मदद की। लखपत अली खान साहब और उनके इस्तेमाल में रही गई चीनी।
सर सैयद अहमद खान की लिखी गई किताब रसाला इस बात बगावत हिंद और सरकशी बजनूर। ये कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की कुछ यादगार तस्वीरें, जो अगर आप इनकी हिस्ट्री थोड़ी देखना चाहते हैं तो आप जो है ना मज़ार-ए क़ायद वाला भी लोग देख सकते हैं। ये देखें ऐसे सादा लोग हुआ करते थे। वो जी ये आगे शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल रहमत अल्लाह के इस्तेमाल में रहेगी चीज़ें, ये छतरी उसका हैंडल देखें बांस की जो है ना लकड़ी से बना, ये ग्लासेस का कवर, ये जब एक ना ये दस्तार जो पहना करते हैं, ये ज़रबे कलीम का नुस्खा होती उसकी, ये कुछ इकबाल दरबे क्लीन। एक पेंटिंग के अंदर है ना सारा आपको 1947 की पार्टीशन का जो किस्सा सारा वो आप इसमें देख सकते हैं, तो किस तरह लोगों ने जो है ना उस वक्त हिजरत की थी। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा फातिमा जिना, सिस्टर ऑफ कौम अली जिना। ये जी अल्लामा इक़बाल के वालिद, ये कायदे आज़म रहमत अल्लाह अलैह की पहली बीवी, ये रही इनकी बेटी, ये कायदे आज़म रहमत अल्लाह अलैह के भाई। ये देखें 1947 के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के हालात, ये एक तस्वीर पूरी दास्तान एक बयान कर रही है। ये देखिए ये हुआ था जी 1947 की पार्टीशन के बाद। चलते हैं नेक्स्ट रूम है वाशरूम। पैथोलॉजिकल डेंटल जी, हर एक सूबे की जो ना हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, बलोची के कल्चर दिखाया गया। ये उनके कच्चे घर उस वगैरह, क्लाश का कल्चर दिखाया गया, उनका लिबास क्लाशियों का। ये क्लाश वाले नेक्स्ट ओवर मेरा इंशाल्लाह जो मैं क्लाश का होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। एक किसान जो काश्तकारी कर रहे हैं, ये क्लासी लड़कियां खेल रही हैं वो एक लड़का ढोल बजा रहा है और ये कुछ लड़कियां रक्स कर रही हैं इस पे, ये ऊंट और ये पहाड़ी इलाके पे दूर के पौधे लगे हैं। ये कलाश में जो ना इस तरह के जिसमें बनाते थे हाथ से, ये कलाश की ज्वेलरी और उनकी कोई तीर वगैरह हंटिंग टूल्स एंड
या ज्वेलरी आई है मुझे, ये सिंधी आ गई, सिंधी ज्वेलरी आ गई, ये गर्दन में पहनने वाले, ये हाथों में पहनने वाले गिलास की तरह, ये कड़े आ गए, ब्रेसलेट आ गई, ये और ये नेकलेस, ये सुबह से रिवायती लिबास जो उसके साड़ी की तरह लगता है, सिंध की हाथ से बनी अशिया, वेस्टकोट, ये जूती चेक है, मेरी वो कह रहा जो हम भी पढ़ा करते थे छोटे होते, अली फनार, ये बच्चा पढ़ रहा है औरत ने खाली लस्सी बना रही है, और ये मर्द खोखा पी रहा है, ये भावलपुर की जेलें रखी है, कुछ भावलपुर की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, ये पत्थर की बनी है, ये मेटल की ज्वेलरी आ गई, ये आ गई चोलिस्तान का लिबास, ये आ गई अपना पंजाब, ये किसान कंधे पे कई रख कर जा रहा है फसलों में, और ये जो आपका किचन इसको पंजाबी में चला नहीं बोलते थे कई यार, दो नंबर रखी पंजाब दी कई अच्छा अच्छा दिखाया गया कल्चर जी, मट्टी के उधर जो ना घर होते थे प्यार में, अब तो उधर भी जो ना डेवलप हो गए इलाके, ये चरखा काटती है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जी, ये बारात भारी भरकम, ये अखरोट की लकड़ी से बने हुए ना, उस वक्त के आप उनको कह रहे हैं आप अलमारियाँ या जो पेटी वगैरह होती थी इसी में वो चीज़ें स्टोर किया करते थे अपने कपड़े वगैरह, ये बलूचिस्तान का लिबास और जेवरात, देखा है बल पख्तूनख्वा में लकड़ी के जो ना बड़े बड़े किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चलते हैं जी आगे, नहीं ये नहीं बड़ा अच्छा किया उन्होंने, दीवारों को भी ना उन्होंने खाली नहीं छोड़ा, बहुत कुशादा और साफ सुथरा म्यूजियम है ये, और फर्स्ट वाला पता नहीं हाँ चलते हैं नीचे, ये आ गई जी अपनी इस्लामिक आर्ट्स गैलरी, ये नई गैलरी बनी है 2021 में 18 नवंबर को, दे 21 सदी के बंदे रहे हम, चलते हैं अंदर, जी जी मेरा यार राशिद मिन्हास व्लॉग्स, राशिद मिन्हास व्लॉग्स, ब्लॉग्स द ओनली सी ऑप्शन।
शाही फरमान। इस तरह हुआ करता था जी शाही फरमान। अच्छा कौन मुझे ये इसके ऊपर पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग कराची में, तो यहीं पर करते हैं अपनी वीडियोस का एंड। और नेक्स्ट अगर कराची जब चक्कर लगा तो जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको कवर करेंगे। तो यहीं पर करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।